प्राचीन काल से हमीरपुर जिला के गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और मंदिरों में सदियों से स्वयं भू शिवलिंग की पूजा अर्चना करके श्रद्धालु अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर गसोता महादेव मंदिर में तैयारियां पूरी की जा रही हैं और महाशिवरात्रि पर्व के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार पर्व को मनाया जाएगा। पांडव काल के समय की यादगार गसोता महादेव मंदिर में साल भर श्रद्धालु आते हैं और प्रदेश के बाहर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से भी लोग मंदिर में माथा टेकते हैं। गसोता महादेव मंदिर के महंत राघवानंद गिरी महाराज ने बताया कि इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है और मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 को शिवरात्रि है और 12 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर में किया जाएगा। शिवरात्रि पर उसकी भव्यता हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालुगण अपनी मन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़े श्रद्धा और बड़े आस्था के साथ प्रातःकाल 3 बजे रात्रि से ही यहाँ जय जयकारा करते हुए लाइन लग जाती है। महादेव के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। हिमाचल प्रदेश से ही नहीं और अपने अगल बगल जो भी प्रांत है जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वहां से भी पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली से भक्त जहां भी भक्त जहां है वहां से यहाँ महाशिवरात्रि पर महादेव की पल का दर्शन करने हेतु अपार जनसमूह के साथ यहाँ पहुंचते हैं। अपने फूल माली लगे हुए हैं कि अपना पत्रकारियों के लिए सजावट के लिए फूल को पिरो रहे हैं। कोरोना सिस्टम को देखते हुए जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उसके अनुरूप 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस जो भी जितने भी नियम है उन नियम का अनुपालन करते हुए आस्था भी रह जाए और हम इस महामारी संक्रमण से भी बचे रहें, इस पे विजय प्राप्त कर सके, इसके मद्देनजर महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन के ओर हम सब अग्रसर हैं, कार्यरत हैं और चारों तरफ इस समय वर्तमान में महादेव की प्रसन्नता के लिए फूलमालाओं की सजावट सज्जिकारी की संपूर्ण तैयारी चल रही है। जय महादेव गसोता। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गसोता महादेव मंदिर बहुत ही पौराणिक है और पांडव काल से मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करके हर मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने बताया कि करीब 1100 साल पहले स्वयं भू शिवलिंग स्थापित है और आज भी मंदिर के आसपास पांडव काल से जुड़े हुए साक्ष्य मौजूद हैं। देखो जी, ये बहुत पुराना मंदिर है, 1600 साल पुराना है, जो हमारे बुजुर्ग हमारे को बताते थे, जो भी उन्होंने मांगा है शिव जी से तो इन्होंने वो पूरी की है। और इनको यहाँ तक, यहाँ के लोग नहीं, इनको दिल्ली तक के लोग जो है, बम्बे तक के लोग भी है, वो जब बाबा बलदेव गिर मानते थे तो उनके वो बहुत ही मतलब उनको गुरु मानते थे, तो वो अभी उनके शिष्य समझो किस्म के, तो वो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए बम्बे तक के लोग आते थे और जो उन्होंने सुखना करके गए थे यहाँ से वो उनकी पूरी हुई, इसी करके वो आगे के लिए अभी भी आ रहे हैं। अभी पंजाब से बहुत लोग आते हैं जो यहाँ भंडारा चलाते हैं, शिवरात्रि पर भी आते हैं, बड़ा मेला होता है मई महीने का, जेठा सोमवार लगता है इन्हीं इसी मंदिर के नाम पर, गसोता महादेव मंदिर का, तो उसमें भी वो भंडारा लगाते हैं, पंजाब से भी आते हैं। एक लोकल कहावत है जय बाबा गसोता एक एक पाता दूध होता है, ये क्या है? इसका कि एक पाने का मतलब ये है कि इसके इनके पास में कोई भी आदमी सुखना लेके आ जाए तो उसका डबल हो जाता है, जब भी वो सुखना करेंगे तो जो मांगेगा वो मुराद उसकी पूरी होती है, वो डबल हो जाता है। 83 वर्षीय मास्टर अमर सिंह ने बताया कि गसोता महादेव का इतिहास पांडव काल से भी पहले का है और इस जगह पर गौओं को चराने वाली जगह का नाम बाद में गसोता पड़ा। उन्होंने बताया कि पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान गसोता में कुछ समय रुके थे और भीम ने अपनी गदा से मंदिर के पास पानी का स्रोत बनाया था। फिर गसोता में 11 वंश था, एक दिहाड़ी पंचाड़ी कर से थी जमाने चुंगे ना 2-4 जिन्हें फिर बुंजक मां मंदिर मापे दे दी, ले थे गाय चारते है, क्या चारते है? गाय, गायों का आंदा हा, फिर गसोता गऊ को चराने से उसका नाम गसोता बना, गसोता। फिर यहाँ मंत्र का बड़े मंत्र, क्या पांडवों का क्या इतिहास है इस मंदिर के साथ, क्या जुड़ा है? मंडप जब वनवास में पांडु आए हुए थे तो वो इधर बाणी टोनी के पास है, वहां
दो बट रखे हुए उन्होंने, कई खुड़िया में खुड़ी रखी हुई है, कई इधर से घूम कर गए, रात को करते थे काम। वो सोता में क्या बनाया उन्होंने? सोते में पानी निकाला उन्होंने गऊ के लिए, गदा भीम ने गदा लगा कर नीचे, जिसका नाम रखा फिर पांडु सरोवर, उन्होंने रखा हुआ है, उसका नाम रखा है पांडव सरोवर रखा था। पहले यहाँ लोग नहाते थे, 15 साल चला है, परंतु अब इसका सौंदर्यकरण कर लिया पर्यावरण ने, एडीसी वगैरह ने, जिला सारी गवर्नमेंट आ रही है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता है जो मनोकामना पूरी होती है, जो भी यहाँ मनोकामना करते थे वो शिव जी भोलेनाथ पूरी कर देता है। यहाँ मंडली भी फिरती है शिवों की, महादेव की मंडली फिरती हर साल, 5-6 साल से फिर रही है, 5-6 वायती हो गए को 100-150 साल से। मान्यता तो जनाब इसकी बड़ी भारी मान्यता है, इसमें एक हमारे जेलदार साहब थे गंगा सिंह जेलदार बोनी गांव के, तो उन्होंने उनका जो नौकर था उसने हल जोता हुआ था सड़क के किनारे बोनी गांव में, तो उसको सांप टकरा रास्ते में, उस सांप को जब उसने आगे लोहा होता है ना जी, लोहे से जब उस सांप को लगा तो वो सांप मर गया, और उसकी आंखें जो थी मतलब बैल भी अंधे हो गए और जो हाली था वो भी अंधा हो गया। फिर लगा जोर जोर से आवाजें मारने की, मैं अंधा हो गया और मेरे बैल भी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो लोग दौड़े, उन्होंने जेलदार को सूचित किया, तो उसके बाद जेलदार ने आया और खड़े होके एक पांव के ऊपर खड़ा होके अरदास की कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे ये बैल भी और हली इनकी आंखों में ज्योति आ जाएगी तो मैं एक बकरों का जोड़ा आपके दरियाने में चढ़ाऊंगा भी, और आपका यह एक ऐसा मतलब बनाऊंगा जिसका कोई दुनिया मतलब दूर दूर से आके इसकी पूजा करेगी। बता दें कि कसोता महादेव मंदिर में स्वयं भू शिवलिंग हल जोतते हुए लगबाण गांव में निकली थी और कैडरू ले जाते हुए गसोता के पास रखा था, लेकिन दोबारा पिंडी किसी से भी नहीं उठाई गई और आज भी पिंडी यहीं पर स्थापित है। मान्यता के अनुसार मंदिर में सच्चे मन से मांगने पर हर मुराद पूरी होती है। कहते हैं कि पांडवों के द्वारा मंदिर के नजदीक पानी के लिए स्रोत भी बनाए गए थे जो कि आज भी मौजूद हैं, और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही पांडवों ने इस स्थान पर गौओं को चराया था, जिसके बाद ही उक्त स्थान का नाम गसोता पड़ा है। शिवरात्रि पर्व के दिन सुबह तड़के से ही मंदिर में लंबी लंबी लाइनों में हजारों भक्तजन शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते हैं।